मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। छोड़ो ये सब और वापस आ जाओ। मामा जब तक सहीन मुझे तलाक नहीं देते था मैं घर वापस नहीं आ सकती। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ। हक महर का पैसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मामा। क्यों समझें कि ये हक महर मेरे आंसुओं की कीमत है। एंड यू नो मामा इस सब में बहुत सी एनजीओस मेरी हेल्प कर रही है। मामा आपके अमल को अब अंधेरों से डर नहीं लगता। तुम्हारी जिंदगी के हर अंधेरे में तुम्हारी मामा तुम्हारे साथ है। मैं जानती हूँ मामा। राफे को तो इस सब के बारे में कुछ नहीं मालूम ना। नहीं बस उसने कासिम और वासिल को बात करते सुन लिया था कि तुम टीवी पर आई थी, इसलिए मुझसे पूछ रहा था लेकिन मैंने बात चेंज कर दी। मामा आप प्लीज राफे को इस सब से दूर रखिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा भाई मेरी वजह से परेशान हो। उसके फोन में इंटरनेट तो नहीं है ना। राफे को इंटरनेट यूज नहीं करना होता। उसे कुछ भी सर्च करना होता है तो मुझसे कहता है। बस फोन दिया हुआ है उसे ताकि अकेला परेशान ना हो, इमरजेंसी में मुझे कॉल कर सके। इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे ना मामा तो मैं राफे को पढ़ने के लिए बाहर भेज दूंगी। वासिल अब जल्दी आ गए आज। चले अच्छा हुआ जल्दी आ गए। वो भाई के रिहा होने की खुशी में उन्होंने डिनर रखा है तो वो जा रही थी हम उनके साथ डिनर करें। जल्दी से चलते हैं उनके साथ खाना खाते हैं। ठीक है आप फ्रेश हो जाओ बस मैं भी रेडी हूँ। देखो तुम खुद चली जाओ मैं तो नहीं जाऊंगा। क्या मतलब कि मैं चली जाऊं तुम नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे तुम? उन्होंने इसलिए बुलाया है वो हमसे सारी नाराजगियां खत्म करना चाहते हैं। हमें जाना चाहिए। मैं सारी फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ना चाहता और तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मुझे ज़हीन से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हारी मॉम को मैं पसंद नहीं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें इस घर में भी होती हैं जो मुझे पसंद नहीं है। बर्दाश्त करती हूँ ना मैं, तुम्हारे खातिर बर्दाश्त करती हूँ ना। असल तुम क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मफाद परस्त। और तुम्हारा भाई वो कौन सा कोई कारनामा अंजाम देकर आया कि उसे अप्रिशिएट करने के लिए जाए? अरे कत्ल का मुकदमा लगा है उस पे। उसने अमल की जान लेने की कोशिश की थी। फिर तो एहसान समझो अमल का कि उसने कुछ किया नहीं, केस वापस ले लिया वरना अब तक सड़ रहा होता जेल में। वाह कितना अच्छा बोलते हो ना तुम मेरे घर वालों के लिए। इस कदर नफरत भरी हुई है ना मेरी फैमिली के लिए। एक बात सुन लो, तुम्हारी फैमिली अब क्या है? एक घर, ये तुम्हारी फैमिली है। और भूल गई तुम क्या किया था तुम्हारी माँ ने हमारे साथ, मेरे बाप के साथ? सलूक तो तुम्हारे फादर का भी कुछ अच्छा नहीं था हमारे साथ। देखो बासिल अगर मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना तो प्लीज प्लीज मुझसे भी कोई तवक्का नहीं रखना।
राफी। हेलो अभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही। क्यों? अच्छा, स्टडीज किसी जा रही हैं? बहुत अच्छी। अभी, आप पर किसी ने अटैक किया है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमसे किसने कहा? वो कासिम अंकल बात कर रहे थे आज। वो बस ऐसे ही कह रहे होंगे, बिजनेस की कोई बात होगी। तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप देखिएगा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपका बहुत ख्याल रखूंगा। कोई भी मेरी आपी को कुछ नहीं कह सकेगा। राफे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। लेकिन मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। ओके मिस्टर राफे, तुम ना सिर्फ अपनी पढ़ाई की फिक्र करो, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, समझे? हर वक्त पढ़ता ही तो रहता हूँ मैं। गुड, चलो अब सो जाओ और आइंदा फिक्र मत करना, ख्याल रखो अपना। ठीक है आपी, अल्लाह हाफिज। ये ले मैडम, ये वो पेपर्स हैं जो तुमने कहे थे, और ये वो नाइफ है, ये भी ले आया था। थैंक्स रिहान, तुम नहीं जानते, ये सब देखने के बाद राशिद अपनी सोची हुई हर घिनौनी साजिश में नाकाम हो जाएगा। अमल, एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं उस चूहे का शिकार करने वाली हूँ जो खुद को बहुत बड़ा शेर समझते है। बस किसी मुश्किल में मत फंस जाना। डोंट वरी रिहान, मुझे कुछ नहीं होगा। What a pleasant surprise! अमल और रेहान एक साथ, wow! कैसे हो शाज़िम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और ये सब चल क्या रहा है? वैसे मानना पड़ेगा रेहान, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद डैड के ऑफिस में जॉब कर लेना, तब तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट याद आ गई थी। हाँ शाज़िम, तुम कहना क्या चाहते हो? Oh, come on यार, मैं जानता हूँ कितनी चालाकी से तुमने अमल के घर में एंट्री मारी है। शायद तुम अब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि अमल तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है, शादी हो चुकी है उसकी। माइंड योर ओन बिजनेस, तुम इसे बातें करने वाले होते कौन? अमल, मैं कौन होता हूँ ये तुम भूल गई हो, बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्द तुम्हें ये सब याद दिला दूंगा। You are very innocent, Amal. तुम नहीं जानती कि इस रेहान ने तुम्हारे साथ क्या गेम खेला। ये इसलिए इस घर में एंट्री चाहता था कि तुम्हारी नजरों के सामने रह सके और तुम्हें तसल्ली दिला सके कि Stop it, Shazam. अबल, मुझे तो लगता है कि इसकी नजरें तुम्हारे उस 60 करोड़ वाले हक महर पर है। वही 60 करोड़ जो तुम बहुत जल्द जहीन से लेने वाली हो, ये रेहान उसी पर नजर जमा कर बैठा है, बता रहा हूँ मैं। बस, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते जा रहे हो। इंसान हो के जानवर, दिमाग काम करता है तुम्हारा? ओह, तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? हाँ तकलीफ तो होगी ना, तुम्हारी थर्ड क्लास मेंटेलिटी तक जो पहुंच चुका हूँ मैं, और अब तो अमल भी समझ चुकी है। शाज़िम, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना तुम्हें ऐसा जवाब देता कि तुम्हें सालों याद रहता। और हाँ, मैं मिडिल क्लास जरूर हूँ, लेकिन रिश्तों का तकद्दुस ठीक तरह समझता हूँ। अमल की दिल से इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा। इज्जत या मोहब्बत? झूठे, सब मालूम है मुझे। शाज़िम, मोहब्बत भी उसी से करते हैं जिसकी दिल से इज्जत की जाए। ओह, तो फाइनली तुमने मान ही लिया। देखा अमल, ये भाई साहब तुमसे मोहब्बत करता। शाज़िम, यहाँ पर तमाशा मत बना। रेहान, तुम आज भी अमल से मोहब्बत करते हो, और मैं जानता हूं कि तुम उसका घर तोड़कर उससे शादी करना चाहते हो, उसे हासिल करना चाहते हो, और तुम वैसा ही कर रहे हो। बात शाज़िम, अब कुछ मत बोल, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम और मैं कभी दोस्त थे। हम कभी दोस्त थे नहीं, कहां तुम और कहां मैं।
कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है यार। कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? रेहान तुम जाओ यहाँ से। अमल ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, इसने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों को लूटने का प्लान बना रखा है यार। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम मुझे ये बताओ कि इसे तुम्हारे घर में ये जॉब क्यों मिली? ये अच्छी तरह जानता था कि तुम्हारी शादी कहाँ हो रही है। मैं इसका प्लान पहले से जानता हूँ, कॉलेज के दोस्तों ने बता दिया था मुझे, और यहाँ तक मिनाहिल भी जानती है इसके प्लान के बारे में। बताओ इसे। चाहते हो इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ मुझ पर, जान से मार दूंगा तुम्हें। रेहान क्या बदतमीजी है ये? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। अमल, मैंने कहा ना जाओ। सुना नहीं तुमने? अमल तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही है, और तुम यहाँ पे एक एम्प्लॉय हो तो बॉस के ऑर्डर तो मानने ही पड़ेंगे ना। नाउ गेट आउट। अच्छा हुआ अमल तुमने इसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया, इसे अपनी औकात याद आ गई होगी। किसकी क्या औकात है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे हमदर्द बनके मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। वो कमान अमल, हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना यार, तो मुझे एक बार माफ करके आगे नहीं बढ़ सकती क्या? मैं आगे बढ़ चुकी हूँ शासी, बेहतर होगा कि तुम भी मुझसे डिस्टेंस बना कर रखो, और आइंदा मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर मत करना। सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन अगर मैं उस वक्त ऐसा ना करती तो शाज़िम अपनी घटिया सोच लेकर तुम्हारे और मेरे बारे में न जाने क्या बातें करता। शाज़िम हम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे मेरा पास्ट मालूम है। शाज़िम का एतमाद जीतना जरूरी था, माफ कर देना। अस्सलाम वालेकुम। रेहान है घर पे? जी साहब जी, घर पर ही हैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन रेहान बात तो करनी पड़ेगी ना, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। तुमने शाज़िम को मेरे और अमल के बारे में न जाने क्या क्या कहा है, वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम दोनों की वजह से अमल की जिंदगी में कुछ बुरा हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा मिनाहिल। देखो रेहान, I'm sorry, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सारी बातें जानने के बाद शाज़िम ना इनसिक्योर हो जाएगा। तुम क्या बातें कर रही हो, शाज़िम क्यों इनसिक्योर फील करेगा ये जानते हुए कि वो ज़हीन की बीवी है अब। हाँ वो ज़हीन की बीवी है, और अब तो इन दोनों का रिश्ता बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अमल भी शाज़िम से मोहब्बत करती थी, और अब तो शाज़िम को भी उसकी मोहब्बत का एहसास। Stop it, मिनाहिल, stop it। अमल क्या करती थी क्या नहीं करती थी वो सब उसका पास था, लेकिन तुम लोग उसका आज बर्बाद करने वाले होते कौन हो? फिर तो अमल भी तुम्हारा पास्ट है, तुम
क्यों अपने माजी को छोड़कर हाल में नहीं जीना चाहते? आखिर कब तक इंतजार करूंगी मैं? मत करो मेरा इंतजार, कितनी बार तुम्हें कह चुका हूँ कि मेरा जवाब वही है। तो फिर मैं यही समझूं कि शाज़िम ने तुम दोनों के बारे में जो भी बातें कही थी वो सारी सच थी? तुम उस घर में उसकी वजह से जाते हो? स्टॉप इट। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पर, मुझसे मोहब्बत के दावे करती हो लेकिन तुम जानती भी हो मोहब्बत कहते किसे। मोहब्बत छीनने का नहीं देने का नाम है, और ये वो एहसास है जो जीता नहीं निभाया जाता है, और यही फर्क है तुम्हारी और मेरी मोहब्बत में। हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? एक्सक्यूज मी, मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? इनफैक्ट तुम मुझसे ये सवाल पूछने वाले होते कौन हो? बकवास बंद करो अपनी, वरना 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 क्या करोगे तुम? फिर से कोई नया किलर हायर करोगे मुझे मारने के लिए? लेकिन याद रखना, इस बार तुम अकेले अंदर नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारी ये प्यारी माँ और तुम्हारी वो सो कॉल्ड बीवी भी जाएगी। क्या चाहती हो तुम? जो मैं चाहती हूँ वो आपको मालूम है, लेकिन फिर भी अगर मैंने जवाब दे दिया ना तो आपको बहुत तकलीफ होगी। बहुत एहसास है तुम्हें हमारी तकलीफ का, सब लोग तुम्हारी करतूत की बातें कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता तकलीफ क्या होती है? वाओ, मानना पड़ेगा आपकी ममता को, लेकिन घटिया करतूत मेरे नहीं बल्कि आपके लाडले बेटे और आपकी सो कॉल्ड बहू के। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे। कौन रोकेगा मुझे? अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मेरी वकील वो करेगी जो मैंने उसे कहा हुआ है। जाने दो उसे। तीन दिन में आप पेपर्स तैयार करवाइए। कंपनी वैसे ही सुहेल के नाम पर है, और रही बात तैमूर की तो उसके तो इस कंपनी में सिर्फ 20% शेयर है। बार बार एक ही सवाल दिमाग में आता कि आखिर भाभी ने ऐसा किया क्यों? किस चीज की कमी थी उनको? वो इतनी खुद खर्च है, अगर वो एक बच्चे की जान ले सकती है ना तो कुछ भी कर सकती है। जहे नसीब, जहे नसीब, हमारे तो भाग जाग गए। आप हमारे घर में तशरीफ लाई। बकवास बंद रखो अपनी। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम किस लिए आई हो? रिक्वेस्ट करने आई हो कि मैं तुम्हारे और रेहान के ताल्लुकात के बारे में दिलशाद और जहीन को कुछ ना बताऊं? यही कहने आई हो ना? लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता अमल मैडम, अब ये सारा किस्सा तुम्हारी बर्बादी पे खत्म होगा, क्योंकि अब मैं ऐसा पत्ता फेंकूंगा कि तुम्हें बर्बादी से कोई नहीं बचा पाए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे बर्बाद भी कबूल। मुझे बर्बाद करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, बहुत जल्दी है तुम्हें मुझे बर्बाद करने की, लेकिन तुम ये बात नहीं जानते हो कि बर्बादी खुद तुम्हारे सर पर मंडला रही है।
बर्बादी। ये देख, इसे और से पढ़ो। ट्रांसफर लेटर। अमल मैडम, तुम शायद भूल रही हो कि मैं यहां पर दिलशाद मैडम का सिक्योरिटी इंचार्ज हूं और मुझे यहां से कोई भी ट्रांसफर नहीं करवा सकता। तुमने शायद गौर से नहीं पढ़ा, क्योंकि दिलशाद आंटी ने खुद इस पर साइन किया है, देखो जरा। और हाँ, अब से तुम ऑफिस की सिक्योरिटी संभालोगे चौकीदार साहब। हरगिज़ नहीं मैडम, ये एक लेटर तो क्या, ऐसे हजार लेटर भी आ जाए ना, तब भी मैं यहां से जाने वाला नहीं। मैं जानती थी तुम इंतहाई गिरे हुए इंसान हो, इसलिए मुझे भी खुद तुम्हारे लेवल पर आना पड़ा। अब ये देखो। अब ये क्या है? ये वो सीवी है जो तुमने दिलशाद आंटी के ऑफिस में जमा करवाई थी। फेक पिक्चर, फेक नेम, फेक इंफॉर्मेशन। सीवी में कोई और है और घर का सिक्योरिटी इंचार्ज कोई और है। और तुमने ये सब कुछ किसके साथ मिलकर किया है ये भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। खुद सोचो, जब दिलशाद आंटी को पता चलेगा कि तुमने इतना बड़ा फ्रॉड किया है तो वो तुम्हारा क्या हशर करेंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, बल्कि खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर आएंगी। ये तुम्हारे पास कहां से आए? कहां से आई ये तुम्हारे पास? रॉन्ग क्वेश्चन। तुम्हें अब ये पूछना चाहिए है कि तुम्हें यहां से जाना कब है। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? तुम्हारी इतनी जुर्रत? तुम जुर्रत की बात ना करो, क्योंकि जो खेल तुम खेल रहे हो ना, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हारी इस घटिया सोच की मैं कैसे बैंड बजाती हूँ तुम देखते जाओ। तेरी तो बस खबरदार, जो आगे बढ़ने की कोशिश की या मुझसे बदतमीजी की तुम, ये लो इसे पहचानो। पहचाना कि वही खंजर है जिससे तुमने उस रात मुझ पर हमला किया था। उस रात तुमने मुझ पर कातिलाना हमला किया था, लेकिन फिर खुद दुम दबाकर भाग गए। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? मैं चाहती तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी जगह ज़हीन का नाम लिया। इसे तुम मेरा एहसान समझो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें, तुम अपने मुंह से कह दोगी और ये सब कुछ सच हो जाएगा? क्या सबूत है तुम्हारे पास, बताओ मुझे, क्या सबूत है? मेरे पास सबूत भी है। मेरे पास उस रात की CCTV फुटेज मौजूद है, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने वो खंजर ज़हीन के ऑफिस से लिया था। तुम्हारे हाथ में खंजर और तुम्हारा ज़हीन के ऑफिस में जाना सब रिकॉर्डेड है। और हाँ, तुमने जो वो कैप पहन रखी थी ना जिसके ऊपर R लिखा था, वो भी साफ दिखाई दे रही है। मैं ये भी साबित कर सकती हूँ कि वो तुम्हारी है और तुम्हें किसने दी है। इसलिए चुपचाप निकलो यहाँ से, दोबारा इस घर में मुझे नजर मत आना, क्योंकि अगर इस दफा मैंने पता फेंका ना तो ना सिर्फ तुम बर्बाद होगे, बल्कि इन खुली हवाओं से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाओगे। अमल, अमल, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हम बैठ बैठ के बात करते हैं। शट। अगली दफा FIR दर्ज करवाने मैं खुद जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें आजादी चाहिए या फिर जेल की सुलाखें। अमल, रेहान एक बार फिर से सोच लो, तुम ये जॉब छोड़ के करोगे क्या? याद है ना, पहले इतनी मुश्किल से जॉब मिली थी, अब तुम अमल के खातिर यहाँ से भी रिजाइन करोगे? आप यहाँ बेफिक्र हो जाए, अब आपके भाई के लिए जॉब्स की कमी नहीं है, मिल जाएगी। रेहान, ऐसा भी हो सकता है कि तुम दिलशाद मैडम से कहकर उनके ऑफिस तक महदूद रहो,
फिर जब उनके घर आना जाना ही नहीं होगा तो लड़की खुद ब खुद तुम्हारी नजरों से दूर रहेगी। सारे फसाद की जड़ अमल ही तो है। नहीं अब ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं नाहिल बता रही थी कि अमल ने फिर से तुम्हारी इंसल्ट की। ये सब मैं नाहिल का तो किया धरा है। उसने पता नहीं शाजिम को क्या बताया है जिसकी वजह से अमल मुश्किल में पड़ सकती है और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे होते हुए अमल मुश्किल में पड़े। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो तुम। जिस लड़की ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तुम आज भी उसकी वजह से अपना फ्यूचर दांव पे लगा रहे हो। हां फिर बात मेरे नहीं, बात अमल के फ्यूचर की है। और मेरी वजह से अमल के फ्यूचर को कुछ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूंगा। ना जाने तुम जिंदगी से क्या चाहते हो। मेरे भाई प्लीज सब कुछ भुला के आगे बढ़ो। जिंदगी यूं अकेले नहीं गुजरती। देखो रेहान, मिनाहिल तुमसे बहुत प्यार करती है। आखिर वो कब तक तुम्हारे इंतजार में बैठी रहेगी? कुछ उसी का एहसास कर लो, अच्छी लड़की है। मैंने मिनाहिल को इंतजार करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा और ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। सो प्लीज मैंने ऑफिस जाना, मैं देर हो रही, बाद में बात करता। I'm sorry madam, मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता। But why? What's the problem? Actually ma'am, देखो रेहान, अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है या कोई पर्सनल इशू है तब भी तुम जॉब छोड़कर नहीं जा सकते। मॉम की कंपनी का ऑडिट हो रहा है, तुम इस तरह से रिजाइन कर दो, नो वे। लेकिन सर He's right. I mean, इतने शॉर्ट नोटिस पे तो हम किसी और को ये जॉब सौंप भी नहीं सकते हैं। जी। ओ, रेहान, रुको। मॉम का जो पर्सनल अकाउंट है उसको जरा देख लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल मैं देख लूंगा। ठीक है तुम जाओ। जी मैम। क्या करना है अब इसका? रेहान, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम इस जॉब से रिजाइन क्यों दे रहे हो? नाराज हूँ मुझसे, बहुत गुस्से में हूँ। भला मैं क्यों नाराज हूँ? मैं जानती हूँ कि उस दिन शाजिम के सामने जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक किया मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद बहुत गलत किया मैंने, लेकिन उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वही किया, वरना वो हम दोनों को किसी मुश्किल में फंसा सकता था। अब कम से कम उसको ये तो नहीं लगता कि हम दोनों साथ हैं। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी। अमल मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। अगर ये बात है तो फिर मेरी कॉल्स की इग्नोर कर रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो और आज इस तरह रिजाइन दे रहे हो, क्यों? अमल तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि फायजापी की शादी होते ही मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन शायद बहुत देर हो गई, मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। उस वक्त मैंने शायद तुम्हें बहुत गलत समझा था, लेकिन अब हालात डिफरेंट है। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि तुम्हारी प्रेजेंस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत हौसला है। अमल मैं तुम्हारा हर मुश्किल वक्त में साथ दूंगा, हमेशा साथ निभाऊंगा, लेकिन अगर शाजिम तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं ये सह नहीं सकता।
तुम पर कोई उंगली उठाए मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इस तरह बीच रास्ते में छोड़ कर चले जाओगे? रिहान में अपने हक के लिए लड़ रही, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है, और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि तुम्हारे बारे में कोई उल्टा सीधा बोले। तो क्या मोहब्बत करने वाले सब छोड़ कर चले जाते हैं? से मिलने गई थी? हाँ, मेरी जासूसी करने लगे। हाँ, गई थी मैं मिलने उसे। क्यों गई थी? तुम्हें याद नहीं है पिछली दफा तुम्हारी लाडली ने तुम्हारी बात ना मानकर सबके सामने जलील करवा दिया था? याद है मुझे, और कुछ याद कराने की जरूरत नहीं है आपको। और रही बात माँ बेटी की, तो हमारी आपस की बात है। Such an emotional fool. तुम्हारे जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ठीक है, हूं मैं बेवकूफ, क्योंकि एक माँ हूं। अगर माँ की ममता में आपको हिमाकत नजर आती है तो ठीक है, मैं अहमक ही ठहरी। तुम अब अमल से नहीं मिलोगी। बस कीजिए कासिम, बस भी कीजिए, खुदा का वास्ता बस कर दीजिए। अमल यहां नहीं आ सकती, मैं उसे मिलने नहीं जा सकती। क्या चाहते हैं आप? एक बात याद रखिएगा, अमल और राफे मेरी जिंदगी हैं, और जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर जिंदगी दांव पर लग जाए तो मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, याद रखिएगा। तुम्हारे इस पागलपन की वजह से मैं खुद दो टोक अमल से बात करूंगा। अमल को मुझे अपनी फैमिली लाइफ से माइनस करना होगा। I'll make sure. लेकिन मैडम, आप मेरा ट्रांसफर क्यों कर रही हैं? आप मुझसे कोई गलती हो गई, नाराज हैं आप, या मैं अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहा था? मैं तो तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। जब मेरे पर्सनल स्टाफ ने जहीन की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा तो मैंने सबसे पहले तुम्हारा नाम खुद दिया। जहीन के ऑफिस को तुम्हारी जरूरत है, तुम ऐसा करो, फौरन वहां शिफ्ट हो जाओ, वहां पे लिविंग क्वार्टर्स भी हैं। मैंने मैनेजर को बता दिया तुम्हारे बारे में, तुम्हें सारी डिटेल्स दे देगा वो। यस मैम। और सुनो, वफादारी से काम करना। हूं यस मैम। वफादारी से ही काम करूंगा। सांप के बिल में हाथ डाला है तुमने मैडम, अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकाने की बारी अब तुम्हारी है मिस्टर राशिद। बस एक फोन कॉल करूंगी और तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे, और इस बार तुम्हें कोई छुड़ा भी नहीं सकेगा, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त और ना ही रिश्तेदार। मुझे धमकी दे रही हो? मुझे, राशिद को? चला तो मैं जाऊंगा, चला जाऊंगा यहां से, लेकिन साथ साथ तुम्हें भी डुबो कर जाऊंगा। अभी अगर जाकर मैडम को बता दूं ना कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है उनके मैनेजर के साथ, तो जाओ जाओ, बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी गलीज जबान से जहर उगलने से पहले एक बात याद रखना,
मेरी वकील एक कॉल करेगी और तुम काल कोठरी के अंदर चले जाओगे। तो बताओ, मुझे मारने की कोशिश करने के इल्जाम में जाना चाहोगे जी? मैं इस घर से जा रहा हूं, लेकिन याद रखना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे ललकारा है ना, अब इस ललकार की तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू नो मिस्टर राशिद, तुम उन बेवकूफों में से हो जो खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझकर जंगल का रुख कर लेते हैं, लेकिन फिर खुद ही जंगल के शेर का शिकार बन जाते हैं। शेर कौन है और शिकारी कौन, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और मैं ये भी जानता हूं तुम मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कराओगे, क्योंकि तुम जानती हो मैं तुम्हारे और रेहान के बारे में उन्हें सब कुछ बता दूंगा। और हाँ, वो तुम्हारे पापा जी बेईमान। जो मर्जी समझो, क्योंकि यही तो डील है। तुम्हें गिरफ्तार ना होने के बदले में ये सब बातें नहीं करनी होंगी, क्योंकि तुम जानते हो ना कि अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में तुम 7 से 10 साल के लिए अंदर चले जाओगे, और अगर एक आध इल्जाम और लगा दिया जाए तो तुम्हारे 14 साल तो पक्के जेल के अंदर है। हाँ।